अगर आज के मॉर्निंग सेशन को हम लोग हटा दें तो ये पूरा का पूरा दिन आज कहीं से भी इंडिया के फेवर में नहीं गया है। और मॉर्निंग सेशन में भी आकाशदीप ने जिस तरह से बॉलिंग करी और विकेट जल्दी जल्दी निकाले, उसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया को एक एडवांटेज जरूर मिल गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी, मतलब एक कमांडिंग पोजिशन में रहने के बावजूद भी, जो रूट की सेंचुरी देखने के बावजूद भी, इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन लोगों ने रोना शुरू कर दिया है। अब आपके दिलो दिमाग में भी यही बात आएगी कि भैया आखिर ऐसा क्यों? तो इसका कारण बना है पिच। अब देखो, इंडिया में मैच हो और ये लोग रोए ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और वही चीज इस समय यहां पर भी हुई है। दरअसल इंडिया में ये जो मैच चौथा भी चल रहा है, इस मैच की पिच को देखने के बाद में कई सारे जो इंग्लिश क्रिकेटर्स थे पुराने, उन्होंने अपने अपने थॉट्स रखे। जैसे कि एलिस्टर कुक जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने उसी टाइम ही बोल दिया कि इस पिच के ऊपर तो मैं 25 रन भी चेज करना नहीं चाहूंगा चौथी इनिंग में। दूसरा, माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि कभी भी किसी पिच को तब तक जज मत करो जब तक कि दोनों टीम्स उसके ऊपर बॉलिंग और बैटिंग ना कर ले। लेकिन यहां पर एक हमको वाकई में शॉक लगा, ये माइकल वॉन ने कहा है। इसके अलावा जो विजडन मैगजीन है उसके जो एडिटर है लॉरेंस बूथ, उसने ट्वीट किया कि स्टोक्स की जो बॉल थी, दरअसल बहुत नीचे हिट करी थी और इसको लेकर कहा था कि यार बॉल तो बिल्कुल बाउंस ही नहीं हो रही। अब इन लोगों को चाहिए रहता है कि भाई इनकी जो बॉलें हैं वो बिल्कुल आसमान को छूती हुई जाए, जिससे कि इनके बैट पे अच्छे से आ जाए। अब अगर बॉल पहले दिन से स्पिन कर रही है तो भाई आप इंडिया में खेलने आए हो ना, स्विंग तो करेगी नहीं बॉल, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? भाई पिछले 2 से 3 मैचों में बढ़िया पिच दी गई है, इन लोगों को मौका मिला नहीं। अब जब इनको मौका मिला तो इन्हें रोना शुरू कर दिया। और देखो यही होता है, रोने में जल्दबाजी कर दी, इनकी खुद की ही टीम अच्छा खेल के चली गई। मतलब हाँ, ये चीज हम बोल सकते हैं कि इनके विकेट्स कुछ ज्यादा ही जल्दी गिर गए थे, 112 रनों के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे। बट वहां से जो उन्होंने रिकवरी करी है, मतलब 112 पे 5 से आज स्टम्प्स के टाइम पर इनका स्कोर था 302 रन पे 7 विकेट, तो भाई ये तो अच्छी खासी रिकवरी है ना। मतलब आपने अगले 2 विकेट खोकर 190 रन बना मारे, ये तो एक बहुत अच्छी रिकवरी है, मैं तो यही कहूंगा। इसके अलावा जो रूट के बारे में आज स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, जो रूट जिनको कि बेसबॉल क्रिकेट का ब्रांड जबरदस्ती थोपा जा रहा था ऐसा लग रहा था, हालांकि रन उसमें भी अच्छे आए थे जो रूट के, बट अगर हम मौजूदा इंडियन सीरीज की देखें तो ये पहला ऐसा स्कोर है जो कि जो रूट ने बनाया जो कि नोटिसेबल है। ना तो कोई 50 थी अभी तक, ना कोई 100 थी। तो यहां पर जो रूट ने अपना ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाया, जहां पर कि वो सिचुएशन को देखकर खेलने पर ध्यान देता है, ना कि बस आते ही बल्ला घुमाना शुरू कर देना। इवन मैं यहां पर जॉनी बेयरस्टो के बारे में ही बोलूंगा कि जॉनी बेयरस्टो को भी अच्छी खासी स्टार्ट मिल गई थी। जहां पर वो स्वीप मारने गया, वहां पर स्वीप मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट स्टिल स्वीप किया, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेटर्स को लगता ही है कि स्पिन बॉलिंग को टैकल करने का एक यही सबसे अच्छा तरीका है। खैर, बेयरस्टो की किस्मत में आज भी अच्छा स्कोर था नहीं। तो अगर हम लोग इंग्लैंड के बैटिंग कार्ड की बात करें, जैक क्रॉली ने एक बढ़िया स्कोर बनाया, हालांकि आकाशदीप की एक नो बॉल के ऊपर वो पहले ही बोल्ड हो गया था, बट स्टिल उसको चांस मिला और 42 बॉल्स में 42 बनाकर वो आउट हुआ। बेन डकेट आज उतना लकी रहा नहीं आकाशदीप के हाथों, ये भी शिकार हुए। ओली पोप को तो बिल्कुल आगे राम गए राम कर दिया, एक ही ओवर में डकेट और सॉरी क्रॉली और पोप का विकेट लिया था। तो यहां पर आकाशदीप को शुरुआत में ही ये 3 विकेट मिल गए थे, जिससे कि आकाशदीप का जो डेब्यू था भाई वो तो सेट हो गया था। बट यहां से फिर जो थोड़ी बहुत जो सिचुएशन थी वो संभालने का काम किया आपके जोरूट भैया ने बेयरस्टो के साथ मिलकर। मतलब इन दोनों ने ठीक ठाक पार्टनरशिप करी थी, 57 पर ही इनके 3 विकेट गिर गए थे और फिर वहां से इनका चौथा विकेट 109 पर गिरा। मतलब 50 रन के लगभग की पार्टनरशिप तो इन लोगों ने कर ली थी। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो आउट हुआ और बेन स्टोक्स भी ज्यादा कुछ कमाल आज दिखा नहीं सके और 3 रन बनाकर चलते बने। अब 112 रन पर जब 5 विकेट गिर गए थे तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब टी के पहले ही इनकी टीम सिमट जाएगी। बट देखिए, आज जो रूट ने जिस तरीके से एप्लीकेशन दिखाई है हमने डिफेंस की, वही जो रूट की यूएसपी भी। एबी डिविलियर्स ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि भाई वाकई में यही ब्रांड है जो जो रूट का क्रिकेट एक एक हम कहते हैं ना शोकेस में रख देता है, वो यही ब्रांड है। तो जब इतने लोग एक चीज को लेकर कह रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। तो जो रूट ने इसके बाद फोक्स के साथ मिलकर एक बढ़िया पार्टनरशिप करी। फोक्स अनफॉर्चुनेटली आउट हुए सिराज की बॉल पर 47 पर, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत शानदार हो गई थी। 112 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद इनका जो छठवां विकेट था वो सीधे 225 रन पर आया। मतलब ऑलमोस्ट 112-113 रन की पार्टनरशिप इन लोगों ने कर दी। एंड इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि जल्दी विकेट गिर गया, टॉम हार्टली ने भी 13 रन बनाए और यहां पर भी एक थोड़ी ठीक ठाक पार्टनरशिप देखने के लिए मिली। बट मतलब सभी के लिए सरप्राइज मैं कहूंगा कि ऑली रॉबिन्सन ने आके उस तरीके से जिस तरीके से बॉल को डिफेंस किया, इन लोगों की अभी जो 8वें विकेट की पार्टनरशिप है वो और भी ज्यादा शानदार हो चुकी है। मतलब इनका आखिरी विकेट 245 पर गिरा था और यहां पर 302 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। 57 रन की पार्टनरशिप इनकी 8 विकेट के लिए भी हो गई है।
तो एक तरह से देखा जाए तो जो आखिरी तीन पार्टनरशिप हुई है इन्होंने कहीं ना कहीं आज का दिन इंग्लैंड के फेवर में कर दिया। मतलब आज पहली बार ऐसा गया है कि लंच से टी टाइम तक इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर इंग्लैंड ने वाकई में आज बताया कि भाई हर मैच में बेसबॉल खेलने की हमको जरूरत नहीं है, हम बिना बेसबॉल खेले भी एक अच्छा खासी रिकवरी कर सकते हैं। आज का दिन मैं सीधे तौर पर यही कहूंगा कि इंग्लैंड के नाम गया है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में आज आकाशदीप बिल्कुल तरीके से छा गया बंदा यार। डेब्यू था, 17 ओवर में 70 रन बनाए, 3 विकेट निकाले, इकोनॉमी थोड़ी सी हाई जरूर रही बट स्टिल। और यहां पर नो बॉल पे काम करना पड़ेगा भाई को, ये बात पहले दिन समझ में आ गई। सिराज मॉर्निंग में काफी एक्सपेंसिव रहे थे, 7 की इकोनॉमी से पिट रहे थे, बाद में थोड़ी रिकवरी करी, 2 विकेट भी निकाले, 13 ओवर में 60 रन दिए, और सबसे बड़ी बात यहां पर 4 की इकोनॉमी भी अपनी ले आए। जडेजा ने यहाँ पर काफी टाइट बॉलिंग करी, 27 ओवर फेंके, काफी बड़े स्पेल्स किए मॉर्निंग में, और 27 ओवर में 55 रन दिए, 1 विकेट लिया 2 की इकोनॉमी से। अश्विन ने ही 22 ओवर फेंके, 83 रन दिए, 1 विकेट निकाला, बाकी कुलदीप को कोई विकेट नहीं मिला, और एक ओवर में जयसवाल से भी यहाँ पर फेंकवा दिया गया, लेग स्पिन बढ़िया डाल लेता बंदा, मतलब एक ऑप्शन और है। मोटे तौर पर देखे तो भाई आज का दिन जो है दो सेशन एटलीस्ट आज इंग्लैंड के नाम गए, एक सेशन इंग्लैंड के नाम गए दो सेशन, और इंडिया के नाम गया एक सेशन। अब यहां से देखना यह होगा कि कल जब इंग्लैंड बैटिंग खेलने के लिए आती है, और अगर कल इंग्लैंड लंच तक खेल गई तो यहां पर इंडिया को वाकई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं है जहां पर कि जाके आप फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना चाहो। यहां पर अगर इंडिया बैटिंग करती है तो इंडिया को अब फर्स्ट इनिंग में ऐसा स्कोर खड़ा करना होगा जिसको कि इंग्लैंड डबल ना कर पाए, क्योंकि अगर इंडिया को चेज करना पड़ा फोर्थ इनिंग में तो ये पिच चेज करने लायक नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि बॉल अभी बाउंस नहीं ले रहा है, मतलब कितनी ही बॉल थी जो एंकल लेंथ पर जा रही थी। पहले दिन ये किसी भी पिच को देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे पिच को देखकर तो सीधी सिचुएशन यहां पर सामने है। इंडिया कल जब भी बैटिंग करने उतरता है उनको एक बड़ा स्कोर बनाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जितना स्कोर इंग्लैंड बनाती है उससे उतना ऊपर जाना पड़ेगा कि इंग्लैंड दोबारा स्कोर को बनाना पाए और इंडिया को दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। ठीक वही बात जो एलिस्टर कुक ने कही थी कि मैं यहां पर 25 रन भी चेज करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये पिच वाकई में ऐसी है। बट फिर बात वही आ जाती है कि जो सिचुएशन आपके सामने है आपको सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करना है। यहां पर इंग्लैंड के प्लेयर्स के सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीरीज में कमबैक करने की। बुमराह यहां पर है नहीं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी राहत की सांस तो इंग्लैंड के बैट्समैन ने जरूर ली होगी, बट हां ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहां से अगर ये इंडिया को कमबैक करने से रोक देते हैं तो ये मैच वाकई में इनकी झोली में जा सकता है। पहला दिन काफी डोमिनेंस रहा है इंग्लैंड का, बट हाँ मैं फिर से वही कहूंगा कि इंडिया को अपनी फर्स्ट इनिंग में एक बड़ा स्कोर बनाना होगा और यहां से इंग्लैंड को जितना चीपली हो सके उतना चीपली ऑल आउट करना होगा, वरना आने वाले समय में इंग्लैंड मतलब वाकई में इंडिया को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकती है इस मैच में। क्या कहना है आप लोगों का कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल तक जय हिंद जय भारत।